अभी घटना हो गया, 3 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक कोई नहीं। इसमें बिजली विभाग का जो जितने भी कर्मी उनकी लापरवाही है, यहाँ आना चाहिए। क्या लगता है जय साहब आएंगे? जय साहब फोन किया जा रहा है तो जय साहब फोने नहीं उठा रहे हैं। पब्लिक के द्वारा कितना बार कहा गया लेकिन जय साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, तो इसी होना चाहिए। जय साहब के बारे में क्या आना चाहिए, इनका जो उचित थी है फोन करने पर नहीं उठा रहे। 10 दिन पहले एक और घटना घटा है, हमारे चाचा का लड़का मरे हैं, जय साहब के नंबर पर बार बार फोन करने पर लगता है प्रधानमंत्री है समझे, फोन नहीं उठाते हैं। भाई हमारा मर गया बोलते हैं कि हम कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। अभी बताइए 2 घंटे से बेसी हो गया, 3 घंटा नहीं प्रशासन कुछ भी, यहाँ पर कोई बड़ा नेता मरा हुआ था तो 10 मिनट में हेलीकॉप्टर उतर जाता। गरीब कोई मर गया तो उसका कैसे लटका है, उसका कोई लगता है कौआ मर गया लटकने के लिए। कितनी बड़ी लापरवाही है बिजली विभाग का। अगर बड़ी साहब बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ तो क्या है, जय साहब पैसा लेने के लिए बैठे हैं, 150-200 रुपया पर काम कराते हैं, मर जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए सबसे बड़ी सवाल है, यहाँ के काफी ग्रामीण लोग भी आक्रोश में है कि एक मिस्त्री का यहाँ पे घटना हो जाता है और जय साहब का कॉल रिसीव नहीं होता। देखिए सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम का लाचारी इतना ना ज़्यादा बिहार में है कि आप समझिए कि 3 से 4 घंटा ये मैटर का हो गया। हम लोग भी किसी दूसरे काम में फंसे हुए थे लेकिन हम लोगों का फ़ोन जाते हुए हम लोग का सारा टीम यहाँ पे पहुँच गया है और अभी तक समझिए प्रशासन या थाना अध्यक्ष या BDO CEO या जेई जो भी है कोई फोन नहीं रिसीव कर रहा है। आप लोग भी फ़ोन किए हैं? एकदम हम लोग भी फोन किए हैं, तो अभी तो बोले हैं वीडियो साहब बोले कि हम पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारा फोन किया गया है लेकिन कोई फोन का रिस्पांस नहीं मिला है। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये एकदम सिस्टम का लाचारी है कि आज देखिए अभी भी देखिए लाश लटक रहा है, 3 से 4 घंटा हो गया अभी भी लाश 100 जो है उसी तरह पड़ा हुआ है। लेकिन ये सिस्टम का लाचारी है बिजली विभाग का, मतलब समझिए कि अगर लापरवाही है कि फिर लाइन दे दिया और एक आदमी का जान चला गया और जान चले जाने के 3-4 घंटे के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई मतलब उनके लिए कोई काम नहीं, ये कितना बड़ा मन समझिए कि दुर्भाग्य हमारे बिहार का। जेई साहब के जौन बानू जेई साहब के तो एकदम अब फिर बैंड बजा दे ठीक बात, जेई तू एसी में बैठ के तो न्यूज सुनो थोक बो तो अब फिर तारा पाला पड़ गया जौन अधिकार पार्टी से। SDO साहब को फोन किए थे तो बोले हम जेई साहब को भेज रहे हैं। अच्छा। हमसे बोले हैं कि 4 लाख रुपया का मुआवजा हम दे रहे हैं, ठीक है चेक देंगे 4 लाख का। हम बोले सर 4 लाख, हम बोले सर 4 लाख आप चेक दीजिए या 8 लाख दीजिए, आप क्यों नहीं यहाँ पे आ रहे हैं? तुम्हारा पैसा एसी में बैठ के, एसी में बैठ के तुम आम जनता को 4 लाख का चेक अभी तक नहीं, 8 लाख हम चेक दे रहे हैं उसको उसमें सटाइए। देखिए ग्रामीण एकदम 8 लाख हम चेक दे रहे हैं उनको इसी में सटा दिया जाए, हम तो यही कर सकते हैं। बताइए जैसा वो सवाल किए जनता भी होगा इस जवाब दे रहा है, वो मतलब आने के बजाय बताइए चेक उनके बाप का थोड़े है और बोल दिए कि 4 लाख हम चेक आपको दे दे रहे हैं। पब्लिक का पैसा है, आदमी के जान बचाने के वजह से बोला चेक दे दे रहे हैं, आपका पैसा है पूरा बिहार का जनता का पैसा खा कर और इसी में आप लोग मजे कर रहे हैं। CEO को फोन किए थे उसका रिंग हुआ है, CEO साहब अभी मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए, बताइए ये सब कैसा ऑफिसर है? कोई आदमी मर जाएगा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा जो भी है ना, एकदम एकदम देखिए ये एक मिनट दिखाइए दिखाइए कैमरा पर ये BDO साहब है राम घड़वा के, अभी BDO साहब के भी हुई स्विच ऑफ, स्विच ऑफ मोबाइल है। किसका नंबर है ये देखिए, हम मिला भी सकते हैं नंबर किसका ही है, अपने ब्लॉक ऑफिसर का ही है, ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर का ही नंबर है और वो नहीं उठाएंगे वहाँ पे जो अभी बात हुआ है और मोबाइल को अभी बंद कर दिया। आप देखिए ये लोग जनता के लिए कितना मन बेथी है। अच्छा अच्छा प्रिंस भैया, यानी कि कोई भी घटना बड़ी घटना हो जाएगी तो बड़े बड़े अधिकारी का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, ये बहुत दुर्भाग्य सर, सर बहुत दुर्भाग्य है। हमारे बिहार 35 साल से हम लोग झेल रहे हैं, यहाँ से लोग पूछिए पूरा प्लान करते हैं किसके घर के लोग बाहर कमाने गए हैं, आपके घर के लोग आए जी बाहर कमाता है देखिए, तो गार्जियन उसका जो लगा है बिल में उसके घर पे क्या बीतेगी वो दूसरी बात है। प्रशासन के पूरा हाल है भैया, प्रशासन के लपड़ा ये है कि जब हम लोग अपने ऑफिसर को फोन करते हैं बिजली विभाग में फोन करते हैं तो लोग फोन नहीं उठाते, उठाता है कोई ये हम भी एक दिन लाइन कटा था 50 को फोन किया नहीं उठाया फोन। हाँ। और कैसे बताइए वो अगर वोट होगा तो पैर पकड़ेगा इनका जबकि इनका पहचानता भी नहीं है कोनो विधायक, तो अभी उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, हम गलत बोले हैं लेकिन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, कहा नहीं आया वो अभी तक? विधायक जी आए ना आए उनके हाथ में हमने पावर दे के रखा है, ये आदमी ने सबने वोट किया है, मेरे वोट से नहीं जीते हैं वो, ये सबका वोट से जीते हैं विधायक और सांसद हमारे महोदय संजय जायसवाल जी और शशिभूषण सिंह नाम के आगे इंजीनियर लगा है और इंजीनियर 4 साल का वो कोई काम का इंजीनियर दिख रहा नहीं है वहाँ पे, हमारे हमारा भाई वहाँ पे लटका हुआ है,
ये दर्द हमारा है, प्रखंड रामगढ़वा हमारा है। युवा नेता विशाल सिंह है यहाँ पे, हम इनसे बात करते हैं कि इस घटना के क्रम में ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, आप यहीं के हैं जी? अच्छा, ये घटना कब की है सर? घटना लगभग 9:30 बजे की है। घटना 9:30 बजे की है और अभी तक 100 जो है देखा जा रहा है कि उसी ट्रांसफार्मर पे जो है पड़ा हुआ है। ये बिजली विभाग का दुर्भाग्य है जी कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अस्थाई लोग के और ऊपर से माननीय जी के कहने के बावजूद भी अभी तक SDO और जेई साहब नहीं आए हुए हैं। लगातार SDO साहब के कहने के बावजूद भी जेई की इतनी मनमानी है जिसके चलते अभी तक वो नहीं आए हैं। वो अपने से बचने के लिए दूसरे किसी को फंसाना चाह रहे हैं, दूसरा स्टाफ को भेज रहे हैं कि आप जाके बात कीजिए, आप जाके, और जेई साहब नहीं आ रहे हैं। 9:00 बजे से लेकर 11:00 बजे तक फ़ोन करने के बाद वो एक बार फ़ोन उठाए हैं जी, जिसके ऊपर माननीय जी का फ़ोन 3 बार करने के बाद वो फ़ोन उठाए हैं जी। तो अभी तो माननीय जी अभी विधानसभा में नहीं, विधानसभा क्षेत्र में नहीं है जी, जी। वो अभी आउट ऑफ स्टेट हैं, उनके आने के बाद उनसे बात किया जाएगा जी, जेई साहब से बात किया जाएगा। तब तक सर इस 100 को क्या किया जाए? इस 100 को अभी हम लोग का मांग है कि जेई साहब आवे, SDO साहब आवे, जो भी है देखिए जो हो गया उसका तो भरपाया कोई नहीं कर सकता है। जिसका हस्बैंड चला गया, जिसका बेटा चला गया, उसका तो भरपाया कोई नहीं कर सकता है, लेकिन क्या किया जाए? अभी 100 को अभी वैसा ही रहेंगे जब तक SDO साहब और जेई साहब नहीं आएंगे। 100 यहाँ से नहीं आएगा, अगर आधा घंटे के अंदर जेई साहब SDO साहब नहीं आ रहे हैं लोग तो इसका हम DM के पास इसका सूचना देंगे, उसके बाद NH-28 जाम कराने के प्रयास में। अच्छा सर ये बताइए, रामगढ़वा थाना भी यहाँ पे पहुँच चुका है जी? अच्छा एक मिनट, रामगढ़वा थाना यहाँ पे पहुँच चुका है जी, ये क्या किया है यहाँ पे आके बताइए? थाना आया है, थाना आकर अपना प्रयास किया है कि मतलब 100 को उतार के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए, बट यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उन लोग का कहना है कि नहीं, पोस्टमार्टम में तभी जाएगा जब बिजली विभाग के अफसर लोग आएंगे जी। और बिजली विभाग के अफसर इतना मनमानी है कि अभी तक कोई भी यहाँ ये नहीं देखने आया कि ठीक है, मान लिया कि जो घटना हुआ हो गया, घटना हो गया, ये इंसान 24 घंटा साथ में रह के काम करने वाला आदमी है, साला सबके मतलब क्या बताएं, उसके लिए कुछ शब्द नहीं है हमारे पास कहने के लिए कि थोड़ा सा भी दया माया नहीं है कि अगला आदमी यहाँ पे 3 घंटा से ऊपर लटका हुआ है, उसके साथ 24 घंटा काम करने वाला आदमी है, देखने तक नहीं आया है कि हाँ कैसे हुआ है, क्या हुआ है। सब एक्सपायर किए हैं ठीक है, जो इनको जब करंट लगा है, इनका फोटो जब वायरल हुआ है व्हाट्सएप पे, तो हमारे पास माननीय जी का फोन आया है कि वहाँ पे कुछ हुआ, आपके गांव के बगल में कुछ हुआ है, वहाँ पे आप जाके देखिए, उसके बाद वहाँ का डिटेल हमको बताइए, हम मिनट के यहाँ का सारा सूचना दे रहे हैं जी। अभी हमारे माननीय जी कलकत्ता में हैं, उनको एक एक मिनट का हम खबर दे रहे हैं, वहीं बात कर रहे हैं SDO साहब से। अच्छा उनके परिजन को क्या कहिएगा? उनको परिजन को हम यही कहेंगे कि अब तो उसका तो आदमी नहीं कर सकता है, भरपाया तो नहीं कर सकता है, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा हम कहेंगे कि उनके परिजनों के लिए कुछ जो राहत राशि है वो दिया जाए, और एक व्यक्ति को हम प्रयास करेंगे कि एक व्यक्ति को बिजली विभाग में जॉब देने का काम करें। चलिए चलिए, बहुत बहुत अच्छा सर ने जो बताया है इस पे जो है सब लोग एग्री हैं। चलिए एग्री हैं, बहुत अच्छा। एकरा पहले इतना बड़ा घटना भर लगा गाँव में ना भर लग। अच्छा क्या लगा था, उनका इंसाफ मिली कि ना मिली? मिली ना। जेई साहब क्या आवे चाहिए कि ना आवे के ना चाहिए? तो बताई घटना के 3 से 4 घंटा होके जाता अभी तक ले वही छोड़ल बा, जेई साहब के आवे के ना चाहिए? आवे के चाहिए। आखिर क्यों के बेटा रहा हुआ हां ओकर निर्णय करे के चाहिए, उहा के आवे के चाहिए, ओकर कोनो अथी करे के चाहिए वेनो। तो आइल तब न कोनो बात होई तो